उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक को समर्पित है। ये मंदिर समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय की बर्फीली चोटियों के मध्य स्थित है। माना जाता है कि ये एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ये मंदिर पहाड़ी ऊंचाई पर मौजूद है, इसलिए यहाँ के प्राकृतिक नजारे देखने लायक हैं। यहाँ से हिमालय का जो विशाल और खूबसूरत नजारा नजर आता है, वो किसी भी अन्य धाम से नजर नहीं आता। मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ की घंटियों की आवाज लगभग 800 मीटर तक सुनी जा सकती है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को मुख्य सड़क से लगभग 80 सीढ़ियों का सफर तय करना होता है। यहाँ की शाम की आरती या संध्या आरती बेहद खास होती है। इस दौरान यहाँ भक्तों का भारी जमावड़ा लग जाता है। भगवान कार्तिक स्वामी देव सेनापति हैं, देवताओं के सेना नायक हैं। जिसने भी पूजा किया, मनन किया, तो भगवान सेनापति ने तो उनको दिया है। वहाँ पे निर्वाण रूप में पूजा की जाती है, और जब मेला मूला लगता है तब तो पूरा उसमें होती है पूजा, तो ऐसे निर्वाण रूप में पूजा होती है। इस मंदिर से एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान कार्तिक ने इसी जगह अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित की। किंवदंती के अनुसार एक दिन भगवान शिव ने अपने दो पुत्र गणेश और कार्तिक से कहा कि तुम में से जो ब्रह्मांड के साथ चक्कर पहले लगा कर आएगा, उसकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले होगी। कहे अनुसार कार्तिक ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाने के लिए निकल गए, लेकिन दूसरी ओर गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती के चक्कर लगा लिए और कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हो। भगवान शिव बाल गणेश से काफी खुश हुए और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया कि आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। लेकिन जब कार्तिक ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आए और उन्हें जब इन बातों का पता चला, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। कार्तिक और गणेश में जब पृथ्वी परिक्रमा हुई थी, तो गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की तो श्रेष्ठ माने गए। जब कार्तिक स्वामी वापस आए तो देखा गणेश ने वो हो गया, तो अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी स्वरूप में वहाँ पे विराजमान हो गए। तब से वो निर्वाण रूप में वहाँ पे पूजे जाते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर कई मायनों में आपके लिए खास हो सकता है। धार्मिक आस्था के अलावा यहाँ प्रकृति प्रेमी और रोमांच के शौकीन पर्यटक भी आते हैं। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो यहाँ ट्रैकिंग और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो यहाँ के अद्भुत नजारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। आप मंदिर के दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से यहाँ आने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक है। भगवान कार्तिक की पूजा उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी की जाती है, जहाँ उन्हें कार्तिक मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। इधर भारत साउथ में है, 6 मंदिर उधर हैं। मैं अभी वहाँ से घूम के आ रहा हूँ, यहीं पे हूँ जी, और 7वां इधर उत्तराखंड में। कार्तिक स्वामी मंदिर आप परिवहन के 3 साधनों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटवर्ती हवाई अड्डा देहरादून स्थित जॉली ग्रांट है। एयरपोर्ट से आप सीधे बस या टैक्सी से रुद्रप्रयाग और वहाँ से मंदिर आसानी से पहुँच सकते हैं। रेल सेवा के लिए आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सड़क मार्ग के जरिए भी आसानी से पहुँच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्गों से रुद्रप्रयाग राज्य से बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।